हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सूखे नारियल के लड्डू बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले नारियल को ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे या मिक्सी से भी पीस सकते हैं। इसके बाद गैस को लो फ्लेम पर करें और इस पर कढ़ाई रखें। कढ़ाई रखने के बाद उसमें एक चम्मच घी डालें। एक चम्मच घी डालने के बाद उसको थोड़ा गर्म होने दें। गर्म होने के बाद नारियल का बुरादा इसमें डालें और लो फ्लेम पर इसको चलाते रहें। लो फ्लेम पर चलाने के बाद थोड़ा भुन जाए तो इसे चेक करके देख लीजिए, भुन जाए। अब इसमें एक कप दूध डालें। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें एक कप चीनी या अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी मिला सकते हैं। मिलाने के बाद जब दोनों चीज़ें अच्छे से मिल जाएं, घुल जाएं, इसके बाद थोड़ा और चलाएं और फिर उसे एक बर्तन में निकाल लें। बर्तन में निकालने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख दें। थोड़ी देर ठंडा हो जाए तो इसके छोटे छोटे लड्डू बना लें। लड्डू बनाने के बाद इसको रख दें और इन लड्डुओं को आप व्रत में भी खा सकते हैं और आप वैसे भी खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं, तो प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है।